हाय गाइस, वेलकम बैक टू पीयूज़ ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल। सो ज़्यादा देर नहीं करके हम अपना मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अपना पहला वीडियो में बता दिया था कैसे स्किन को प्रिपेयर करना है। मैं अपना पूरा मेकअप, मैं तो पहले बता दूँ, मैं अपना पूरा मेकअप ऐसे ट्रांसपेरेंट वाला पाउच में स्टोर करती हूँ, और ये मेरा ट्रैवलिंग किट है। ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रैवलिंग किट और मेरा जो घर का मेकअप मेकअप किट है वो अलग अलग है। मैं चीज़ें ट्रांसफ़र करती रहती हूँ। जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड जॉब, सो आज भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ और एक होटल में रुकी हूँ। सो यू मे सीन द बैकग्राउंड। सो मैंने अपने स्किन को पहले प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो स्टेप है, पहले तो आपने अपनी स्किन को आप बहुत अच्छे तरह से क्लीन कर लो, या तो फेस वॉश कर लो, या तो आप क्लींजिंग ऑयल या मॉइस्चराइज़र या लोशन यूज़ कर लो, और उसके बाद आप यूज़ करो रोज़ वाटर या मोगरा वाटर और लेवेंडर वाटर, वॉट एवर यू वांट एंड लाइक। आप वो वाटर यूज़ कर सकते हो और कॉटन वाइप करके आपका जो पूरा थोड़ा सा भी डर्ट या थोड़ा कुछ रहेगा तो स्किन से तुरंत चला जाएगा। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मेरा सैनिटाइज़र, और ये सैनिटाइज़र मेरा हमेशा हमेशा मेकअप पाउच में रहता है क्योंकि हर टाइम हैंड वॉश करने का ऑप्शन नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर। आई एम यूजिंग द कलर बर प्राइमर। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन प्राइमर। अगर मैक के बाद में किसी प्राइमर को बोलूँगी तो वो है कलर बार का। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी दिन चल जाता है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी लगता है। सो व्हाट आई डू, आई टेक जस्ट टू पंप ऑफ प्राइमर ऑन माय होल फेस, एंड थोड़ा सा हम अपने उंगलियों को गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम अपने फेस पे डैब डैब करके वो प्राइमर को बैठा देंगे। नो नीड टू अप्लाई ईयर्स और बैक और योर नेक। तो मैंने अपने प्राइमर को बहुत अच्छी तरह से बिठा दिया है। सो इसके बाद हमको वेट करने पड़ेगा 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट हो गया दोस्तों। अभी मैं आज यूज़ करूँगी मेबलिन का सुपर स्टे ऑल फुल कवरेज फाउंडेशन 24 आवर्स। सो आज ये टेस्टिंग भी हो जाएगा। इससे पहले मैंने और एक दिन यूज़ किया था, मैं इसका रिव्यू डालूँगी। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है एंड रियली ये बहुत देर तक अपने आपके स्किन पे रहेगा एंड गिव यू अ नाइस ग्लोई स्किन। बेसिकली ये मैट फाउंडेशन है, आई थिंक, लेट मी चेक। तो मैंने ले लिया। उसके बाद पूरा नेक को भी मैं कवर करूँगी क्योंकि नेक एक कलर का, फेस एक कलर का, हेयर एक कलर का, बहुत गंदा दिखता है। और इसके बाद ट्रिक नंबर 2, मैं नहीं यूज़ करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। मैं ऐसे मेकअप स्पॉन्जेस ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ बेसिकली ट्रैवलिंग में। और मैं क्या करती हूँ, ट्रिक नंबर 2, ये मेरा है सेटिंग स्प्रे फ्रॉम मिस क्लियर। मैं बाहर अपने ट्रैवलिंग में मैक का सेटिंग स्प्रे नहीं लाती हूँ। सो व्हाट यू डू, यू जस्ट स्प्रे ऑल द प्रोडक्ट सेटिंग स्प्रे ऑन योर स्पंज और ऑन योर ब्यूटी ब्लेंडर और ऑन योर ब्रश एंड जस्ट डैब 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 डैब, डोंट ड्रैग इट। सो रगड़ी है मत अपने स्किन को बिकॉज दिस इज़ योर स्किन, एंड आप ऐसे इसको बहुत ही हल्के हाथों से ये फाउंडेशन को आप पूरा ब्लेंड कर लीजिए। ये काफ़ी अच्छा फुल कवरेज वाला इफ़ेक्ट देता है और काफ़ी बढ़िया फाउंडेशन है, और इसका प्राइस है आई थिंक 750। मैंने ऑनलाइन से इसीलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा नायका में ऑफ़र चल रहा है इसका, तो मैंने इसीलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे मेरा शेड पता नहीं था।
अगर मेरा शेड मुझे पता होता तो डेफिनेटली आई एम बाइंग फ्रॉम नायका, बिकॉज बहुत सारा सेल हो रहा था उसमें। फिर इसके बाद मैं जो करूँगी वो है, मैं सेटिंग स्प्रे कभी भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरा जो क्राइलॉन का सेटिंग स्प्रे है वो काफ़ी बड़ा है, ह्यूज कंटेनर है, और मैं इसलिए नहीं लाती हूँ। एंड टेकिंग माय ब्यूटी स्पंज, सो ऐसा करके, और उसके बाद अब अपने पूरे फेस पे लगा लो, डोंट फॉरगेट योर ईयर्स। सो देखिए ये करने से आपके स्किन में कितना कितना एक अच्छा सा डीवी सा बेनिफिट, एक बहुत ही ग्लोई सॉरी एक बहुत ही ग्लोई इफेक्ट आ गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोरिंग करूँगी आज, जी हाँ दोस्तों मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोरिंग करूँगी आज। सो यहाँ पर जहाँ से ईयर स्टार्ट होता है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है बेसिकली, और यहाँ से ये भी सेम होगा। इस कॉन्ट्रोर का ख़ास बात है बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, सो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ इल्यूजन। सो बस इतना ही, और उसके बाद मैं अपने स्पंज से इसे ब्लेंड कर लूँगी। देखिए दोस्तों कितना जल्दी ब्लेंड हो जाता है, ये इसका सबसे बड़ा ख़ास बात है, क्योंकि हम लोग जो जो सब बिगनर्स है वो उतना माहिर नहीं होता है कंटोरिंग में, और कंटोरिंग एक बार लिक्विड कंटोरिंग एक बार अगर बैठ जाता है तो उसका कलर छोड़ देता है। सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट। मैंने सोचा मैंने ऑर्डर किया है एले प्रोगल का कंटोर, एक्चुअली उन लोगों का कंटोरिंग का कुछ हो के है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा डार्कर शेड है मैंने उससे एक कम डार्क शेड ऑर्डर किया है, तो वो भी शायद आ ही जाएगा। देन आई एम यूजिंग माय ग्लोई ग्लोई चिकी ग्लो, मैं अपना कंसीलर उतना कैरी नहीं करती हूँ ट्रैवलिंग में। सो आप इसे पफ से, ब्यूटी ब्लेंडर से, उंगली से, किसी से भी ब्रश से, आपको जिससे सुविधा लगे आप उससे ब्लेंड कर सकते हो। एप्पल ऑफ योर चीक, आई एम यूजिंग माय लिटिल फिंगर फॉर दिस। ओके इसके बाद मैं यूज़ करूँगी, सॉरी दोस्तों आज मैं लाना भूल गई अपनी आईब्रो पेंसिल, सो आज मैं यूज़ करूँगी मेरा काजल एज ए आईब्रो फिलिंग। तो इट्स आल्सो ए ट्रिक, बहुत ही हल्के हाथों से बीच में से मैं फिल करने की कोशिश करूँगी, और ऐसे ही मैं फिल करती जाऊँगी। बहुत ही हल्के हाथों से हमको करना है, क्योंकि ये बहुत डार्क काजल है, अगर ये एक बार लग जाएगा तो छूटेगा नहीं, और मेरे पास भी स्पूली भी नहीं है। सो व्हाट आई डू, मैं अपने उंगलियों से इसको थोड़ा सा डाउन कर दूंगी। ये बहुत डार्क शेड है, ये बहुत डार्क शेड है, एज पर काजल बहुत अच्छा है, पर आज ऐसे मेरे पास नहीं है, सो आई हैव नो अदर ऑप्शन, सो मैं इसलिए ये वाला यूज़ करी हूँ। और थोड़ा सा अगर मुझे डाउन करना है और टोन, तो मैं ये स्मजर ले लूँगी और
इसको अपने आईब्रो शेप पे और एक बार चला लूँगी। इससे क्या होगा, कलर थोड़ा डाउन हो जाएगा, आईब्रो थोड़ा नेचुरल दिखेगा। इट्स ऑल्सो ए ट्रिक। ओके, सो मैं इसके बाद लगाऊंगी काजल। अपने आईज को जितना कंफर्टेबली स्ट्रेच कर सकते हो उतना ही कंफर्टेबली स्ट्रेच कीजिए। ये काफ़ी अच्छा काजल है, मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पे डाला है, सो इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी। जैसे मेरे आंखों में कुछ भी नहीं टिकता है, लेकिन ये टिक जाता है, दिस इज़ द प्लस पॉइंट। इसलिए मेरा ये काजल बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो क्योंकि मुझे आईज रगड़ने की बहुत बुरी बीमारी है, मैं कंफर्टेबली अपनी आईज को खींच रही हूँ। आप लोगों को लग सकता है कि ये क्या कर रही है, अपने आईज को इतना क्यों खींच रही है। सो मैं कंफर्टेबली कर रही हूँ, डोंट वरी। इसके बाद मैं और एक प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, ये है फ्रॉम फेस शॉप और ये टिंटेड लिप ग्लॉस है। आपको अगर थोड़ा सा डाउन करना है, एक फिंगर ले लो, उसके बाद आप डाउन कर लो, सो आपको बहुत अच्छा सा एक लुक देगा। मैं अगर कहीं बाहर जा रही हूँ तो डेफिनेटली मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। जैसे मुझे बहुत देर तक बाहर रहना है तो मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। अभी तो जैसे मैं मतलब बाहर नहीं जाने वाली हूँ, सो आई डोंट यूज़ दैट मच ऑफ सेटिंग स्प्रे। और मैंने दिखा दिया था उस टाइम कि मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया। सो मैं अपने अभी डालूँगी मैं अपने इयररिंग्स, क्योंकि मेकअप करने के समय आप अपना गले की चेन या एक्सेसरीज वट एवर यू यू आर वेयरिंग वो सब खोल दीजिए, आराम से अपना मेकअप कीजिए। मैंने अपना फेवरेट ज्वेलरी हॉल बनाया है, तो यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल। और देखिए मैं ऐसे मेकअप पाउच जो कि बहुत कम बॉक्सेस वगैरह लाते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है, तो बहुत कम जगह लेती है ये, तो मैं पाउचेस में इसको स्टोर करती हूँ। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक, दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो दोस्तों, अगर आपको ये मेकअप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट और कोई भी सजेशन हो, एनी थिंग पॉजिटिव नेगेटिव एनी थिंग, सो यू कैन गिव मी। एंड सो बाय बाय, बी हेल्दी।